सरोगी जी देंगे श्री सरोगी जी मेरे एडवोकेट हैं रकम दुखी नहीं प्लीज चार से मिनट सब जा बेटा गाड़ी कुछ साइड में आ जाओ ना इस तरह साइड हो जाओ ऐसे आओ गाड़ी आती है चलो साइड हो जाओ भाई गाड़ी है साइड हो जाओ पहले साइड हो जाओ बस बस घूम जाओ बाकी के सामने कौन करेगा सर आप थोड़ा इधर आ जाइए ये पकड़ो मैडम पकड़ो अरे भूख लगे तो ऊपर की रोक रहे भूख नीचे करो सकर नीचे करो अब उधर चले जाओ हम पीका उधर जाओ पीका भूख नीचे करो बीच में नीचे बाल सर शाम आ गया पहले आए हुए शाम को क्या मिलेगा साड़ी चलिए चलो चलो रोल हां रोल रोल सर अरे जैसे कि तो है वो अपनी रिक्वेस्ट लेकर आप लोगों के पास आई थी क्या बातचीत हुई है कितने देखिए ऐसा है कि इसी वजह से पहला दिन था तो पुलिस जो है प्रॉपर फैक्ट्स सामने नहीं रख पाई और उसकी वजह से उनको ज्यूडिशियल कस्टडी हुई थी मगर उसके बाद में जब पुलिस ने तामपत्ता से अपना इन्वेस्टिगेशन किया उसमें काफ़ी कुछ बातें ऐसी आई जो बहुत ही सीरियस नेचर की है आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते हूँ बातों को लेकर आज जो है प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन की कि हमें फिर से पुलिस कस्टडी मिल जाए हमने उसका सपोर्ट किया है और कंप्लेन जो एक्यूज है उनके वकील आज जो बेल एप्लीकेशन फाइल करके आगे बढ़ने वाले थे वो आज आए ही नहीं जब वो नहीं आए तो कोर्ट ने जो है मैटर सोमवार को रखा है और सोमवार को इस पर बहस होगी कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको वापस जो है पुलिस कस्टडी देनी चाहिए और साथ साथ में उनकी बेल जो है वो खारिज करनी चाहिए नीचे कर दिया देखिए आज कोर्ट वैकेंट है हो सकता है कल हो मगर हमने मंडे की डेट ली है और मंडे हम लोग इसको आएंगे 100% मजबूत है काफी कुछ तथ्य सामने आए हैं जो कि इतने सीरियस है घूम पर बेल होने का सवाल ही नहीं राजस्थान में कुछ वीडियो उन्होंने रील किया है मीडिया के सामने किया है ये भी सही तरीका नहीं है मगर इसके बारे में आप सही का कोई गलत नहीं होता अगर कहीं कानून आवाज़ नहीं सुनता है तो डेफिनेटली मीडिया उनके सपोर्ट में आती है तो तरीका तो गलत नहीं है मगर इतना मटेरियल है इनके पास कि जो ये बताता है कि खाली 498 या 377 नहीं है परंतु और भी कई धाराएँ जो है इसमें सीरियस नेचर की लग सकती है इसी के साथ ही सर राखी ने कहा है कि आदिल ने उनके साथ 1.5 करोड़ का फ्रॉड किया है तो राखी ने आप लोगों के सामने ऐसा कौन सा प्रूफ रखा है देखिए हर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ताला चाबी नहीं होती है तो अगर राखी जी का कोई सामान अंदर रखा हुआ है वैल्यूएबल्स रखे हुए हैं और हस्बैंड अगर उससे चोरी कर लेता है तो वो चोरी नहीं होती सिर्फ वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है जो कि एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और वही काम जो है उन्होंने किया है वो भी हम आर्ग्यू करेंगे जो काफ़ी चीज़ें जो है एक हस्बैंड एजेंट होता है दोनों एक दूसरे के एजेंट होते हैं अगर एजेंट ऐसा काम करता है तो डेफिनेटली एक बहुत सीरियस ऑफेंस है मतलब इस पूरे केस को रिकंसिडर किया जाएगा हाँ जी हम लोग पूरा इसको जो है शुरू से आर्ग्यू करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि कितना सीरियस है ये मैटर और उस हिसाब से जो है आगे के ऑर्डर के लिए हम लोग कोर्ट से प्रार्थना करेंगे राखी आप सेटिस्फाइड है इस फैसले से सर पूरी आपकी बहुत बहुत ही आभारी हूँ कि वो आज आए मेरा केस लड़ रहे हैं फाल्गुनी जी और पीपीए जी और हमारे मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस मेरी ओशिवारा पुलिस मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सुना और मैंने मुझे विश्वास है कि मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा क्योंकि मैंने सबूत इकट्ठा सब कुछ करके मैंने दिए हैं मेरा मेडिकल भी हुआ है मैं जज साहब के सामने भी आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा थैंक यू मैं जैसे कि वाहिद भाई का भी कहना चाहूँगा आपने कहा है कि आदिल ने आप पर हाथ भी उठाया है तो कोई ऐसे निशान भी है जो आप हमारे सामने वो पुलिस में दिए हैं पुलिस में दिए हैं वो सब कुछ मैंने दिया है वो मेरा पार्ट ऑफ जो भी है इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल भी हुआ है तो आप देख लीजिए ये हमारे पीपी साहब हैं हमारे पीपी साहब देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें हैं इस केस में
जो कल का पोजीशन था नेचुरली आज का पोजीशन इस केस में थोड़ा सा और बढ़कर है, इनके साइड में है, क्योंकि बोर्ड से अभी भी हम लोग जो है जो भी एविडेंस कलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें हम लोग हैं, इनसे अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है, मोबाइल पीछे ले किसका है, आगे आ रहे हैं मोबाइल पीछे ले, तो ये बिल्कुल कोई ऐसा मुक्ताल वाला कोई बात नहीं होगी, जितने एविडेंस पुख्ता होंगे उतने ही जोरों शोरों से आप कोर्ट के सामने आरोपी की इंट्रोगेशन की बात हो या फिर उसके एविडेंस कलेक्शन की बात हो या उसके जितना भी हमको एक प्रॉपर एक पुलिस चैनल जो होता है एविडेंस जुटाने का जो एक मशीनरी जो काम करती है उस मशीनरी में हम पुख्ता तौर से लगे हुए हैं, हम सबके जो भी कॉपरेट ये कर रहे हैं हम बिल्कुल हम भी इनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, जो भी एविडेंस है जिस प्रोसीजर से लिए जाते हैं लेने चाहिए हम उसमें जुड़े हुए हैं, तभी काफ़ी प्री मैचर होगा कि आप किसी एविडेंस के बारे में हम यहाँ पे बताएं, क्योंकि मैटर सब जुड़ाइस है और बहुत से एविडेंस ऐसे जो हम नहीं चाहते कि वो इतनी जल्दी आपके सामने आए, एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ वो जब भी आएंगे वो नेचुरली आपके पास बात पीछे